Hello everyone and welcome to English Literature Feat India. We are going to study today a poem by Margaret Atwood. This is a photograph of me. Okay, so let's just start with the introduction to the poem now. To ye poem मार्गरेट एटवुड ने लिखी है और जो मार्गरेट एटवुड है वो एक कनेडियन पोएट और नॉवलिस्ट है एंड शी इज वेरी वेरी फेमस उनका हैंडमेड स्टेल एक नॉवल है जिसके ऊपर आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ये गिवाली जो पर्टिकुलर पोएम है दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ मी ये एटवुड का जो सेकंड कलेक्शन ऑफ पोएम्स था टाइटल द सर्कल गेम उसमें पब्लिश हुई थी इस पोएम के अंदर जो एटवुड हैं वो जो सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर हैं जैसे कि इस फोटोग्राफ में देखे गए हैं जिस फोटोग्राफ को वो डिस्क्राइब करती हैं उसको यूटिलाइज करती हैं सिंबलाइज करने के लिए कि जो मेन का जो आदमियों का डोमिनेंस है ओवर वेमेन हमारे इस ऑप्रेसिव सोसाइटी में सो शी डिपेक्ट्स दैट जो एटवुड हैं शी इज अ फेमिनिस्ट राइटर जो कि काफी लिखती हैं अबाउट ऑप्रेशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड लाइक आई सेड जो उनका हैंडमेड स्टेल है इफ यू रीड दैट तो यू वुड नो आई एम टॉकिंग अबाउट इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन द नॉवल आई लीव द लिंक टू दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो सो दैट यू कैन वॉच द वीडियो ओके लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्सट तो जो एटवुड थी वो कनाडा में पैदा हुई थी नवंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के स्टार्ट होने के दो महीने बाद तो जो वर्ल्ड वॉर था एज यू वुड नो इट कंटिन्यू टिल 1945 और जो ज़्यादातर वर्कफ़ोर्स था विच कंप्राइज़ मोस्टली ऑफ मैन तो दैट वॉज डिप्लीटेड बिकॉज वो सब जो थे देवर फाइटिंग ओवरसीज तो एज अ रिजल्ट जो काफ़ी सारी कनेडियन वमेन थी जो औरतें थी तो जो वो जॉब कर रहे थे उनका जो नंबर था दैट डबल्ड ड्यूरिंग द वॉर एंड नॉट जस्ट द नंबर डबल लेकिन जो औरतें थी वर एंटरिंग इन टू द प्रोफेशन दैट वर मेल डोमिनेटेड जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड फार्मिंग हाउ एवर जो बर्थडे था दैट इंक्रीज इन द टी ईयर्स वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद दैट इज ड्यूरिंग नाइनटीन फोर्टी फाइव टू सिक्सटी फाइव और जो औरतें थी उनकी शादी बहुत यंग एज में होने लगी ऑल्सो जो कनेडियंस थे दे हैव फेस्ड द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द नाइनटीन थर्टीज वर्ल्ड वॉर टू ऑफ द फोर्टीज तो दे वर सीकिंग स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एंड बिकॉज ऑफ दैट जो लोग थे दे टर्न टू ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स, ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर एज इन के जहाँ पर जो आदमी है ही इज द ब्रेड विनर और एंड दफ दी हाउस होल्ड और जो उसकी वाइफ है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी जो तनख्वाह थी जो उनकी वेजेस थी देट उसकी वजह से फैमिलीज यू नो देबल टू लिव ऑफ वन इनकम के घर में एक ही जने की इनकम आ रही है उसके ऊपर सरवाइवल उसके ऊपर जीना इट वॉज पॉसिबल बिकॉज वेजेज इंक्रीज हो गए थे एंड उस टाइम पर अगर जो औरतें थी अगर दे वर एंटरिंग द वर्क तो वो हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ता था टू दोशल स्टिग्मा कैसे सोशल स्टिग्मा के जो वर्किंग मदर्स है वो अपने बच्चों को निगलेक्ट करती है और अपनी फैमिली की ड्यूटीज को निगलेक्ट करती है बट स्टिल ड्यूरिंग जो औरतें थी दे स्टिल एंटर द वर्क फोर्स एट इंक्रीजिंग रेट ऑल्सो जो ग्रोइंग मूवमेंट थी फॉर सोशल एंड पोलिटिकल जस्टिस दैट रेडिकलाइज मेनी वूमेन एंड देन बेटी फ्रीडम दिस्टेक वॉज पब्लिश It's a very famous book by her and very important for second wave feminism. तो इस बुक के अंदर उन्होंने जो ऑथर है क्या किया था दैट उस आइडिया को फॉल्स प्रूव किया था कि जो औरतें हैं उनको फुलफिलमेंट मिलता है मैरिज के थ्रू चाइल्ड ब्यूरिंग और हाउस वर्क और सेक्सुअल सबमिशन के थ्रू एंड शी प्रूव दिस आइडिया फॉल्स तो दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ मी जो है वो क्वेश्चन करती है कि जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री की टेंडेंसी होती है मार्जिनलाइज ग्रुप्स की वॉइस को दबाने की उनको सबस्यूम करने की अंडर मेल डोमिनेट वाला जो वर्क है द सर्कल गेम एंड दिस इज अफ ऑफ मी दे कैन बी सीन एज एन अर्ली एग्जाम्पल जहां पर लिटरेचर और सेकेंड वेव फेमिज्म इंटरसेक्ट होता है ऑल राइट स्टार्ट विद द नाउ तो ये जो है दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ मी वो स्टार्ट होती है फर्स्ट पर्सन नरेटर से जो कि डिस्क्राइब कर रहा है फोटोग्राफ को तो ये जो शुरू का डिस्क्रिप्शन है इट वॉज टेकन इन समाइम्स अगो ये वाले जो शुरू की लाइन हैं, इनसे आपको नरेटर की आइडेंटिटी क्लियरली नहीं पता चलती जैसे कि जस्ट लाइक जैसे कि वो जो पिक्चर है वो हेजी है जो डिस्क्रिप्शन है वो भी क्लियर आंसर प्रोवाइड नहीं करती एंड लाइक आई सेट कि ये वाली जो पोएम है दिस इज अ पार्ट ऑफ मार्गरेट एटवुड्स पोएट्री कलेक्शन द सर्कल गेम तो ऐसा लगता है कि ये वाला जो स्पीकर है दिस कैन बी अ चाइल्ड जो स्पीकर है वो पॉइंट करता है ये कहकर कि कुछ साल पहले ली गई थी इट वॉज टेकन प्रिंट है that is smeared, जैसे कि एक पुरानी फोटोग्राफ में हो जाता है। यहाँ पर लिखा है ना स्मियर उसके अलावा कुछ हेजी सी लाइंस भी हैं उसके ऊपर एंड देन देर आर सम ग्रे फ्लेक्स जो कि पेपर के साथ ब्लेंड हुए हुए हैं. ग्रे फ्लेक्स ब्लेंडेड विद द पेपर तो ये सब जो इमेज उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड करी है वो एक ऐसी इमेज एक ऐसी फोटोग्राफ की इमेज यहाँ पर बनाते हैं जैसे कि कोई फोटोग्राफ किसी पुरानी फैमिली एल्बम को बिलोंग करती हो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेक्शन तो ये वाला जो सेक्शन है ये प्रीवियस टांजा से ही रिलेटेड है बिकॉज ये वाला जो लाइंस है ये और कैरेक्टरिस्टिक्स रिवील करती हैं इमेज का यहाँ पर जो स्पीकर है वो रीडर्स के साथ डायरेक्टली बात करता है एज यू कैन स्कैन सी यहाँ पर उसने डायरेक्टली एड्रेस किया रीडर्स को ये जो वन साइडेड कॉन्वर्सेशन है ये इस पोएम को एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का आउटलुक देती है ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है टू से इन वेरी शॉर्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग एक तरीके की पोएम होती है जो कि लिखी जाती है एक इंडिविजुअल कैरेक्टर की स्पीच के फॉर्म में एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज फेमस फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स तो वो यहाँ पर इस वाले में आपको बताते हैं कि जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर है वहां पर एक पेड़ की ब्रांच है एंड समथिंग दैट लुक्स लाइक इट ही इज नॉट वेरी श्योर ही सेज इट लाइक अ ब्रांच देन शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो स्पीकर है शायद वो अपने फैमिली ट्री को रेफर कर रही हो पेड़ की ब्रांच की तरह स्पीकर भी इमेज का एक इंटेग्रल पार्ट है पर बिकॉज जो इमेज है वो ब्लरी है तो ये कह पाना मुश्किल है कि कौन सा पेड़ वहां पर है देन फर्दर आगे बोलते हैं कि राइट साइड पर इमेज की जो राइट right साइड है फोटो की जो राइट right साइड है वहां पर एक छोटा सा घर है कहता है कि ऑन लुकर्स जो इस पिक्चर को देख रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा अपनी आंखें राइट right तक लेकर जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो जो घर है दैट इज हाफ वे अप देर दैट इज इट लाइज समवेयर जस्ट हाफ वे टू द राइट जो स्पीकर है शायद वो उस घर की एक मेम्बर है ये जो हेजी सी इमेज है अनक्लियर सी ये जो इमेज है उसमें जो घर है वो क्लियरली नहीं दिखता वो घर कैसा लगता है एक जेंटल स्लोप की तरह वो लगता है नाउ फर्दर जो ये नेक्स्ट सेक्शन है यहां पर अब इस सेक्शन में डिस्क्रिप्शन और क्लियर होता है अब सबसे पहले रीडर्स को क्या लगा कि जो ये हमारे सामने इमेज प्रेजेंट की गई है फोटोग्राफ की वो एक शायद ओल्ड फैमिली फोटोग्राफ है उस बच्ची का एंड आप देखेंगे तो वहां से ये चीज क्लियर थी कि वहां पर सिर्फ एक ब्रांच है ट्री का और एक छोटा सा घर है पर अब इस सेक्शन में जो एटवुड है वो डिपिक करती है इमेज का बैकग्राउंड जो कि एक लेख को दिखाता है उसके बियॉन्ड वहां पर दि... देर आर सम लो हिल्स सी इट्स इट इज रिटर्न लो हिल्स तो शायद जो स्पीकर है वो उस जगह पर या फिर उसके आस पास कहीं रहती है नाउर इन दीज लाइन यहाँ पर देर इज अट इन द सब्जेक्ट मैटर बिकॉज यहाँ पर वो बोलती है की जो फोटोग्राफ है वो मेरे मरने के बाद ली गई थी द डे आफ्टर आई वॉज ड्राउंड एंड शी सेट में अभी तक ये क्लीर नहीं है कि इस फोटोग्राफ के अंदर स्पीकर कहाँ है उसके अकॉर्डिंग वो उस लेक में है तो जो फोटोग्राफ है वो लेक के बाहर से ली गई थी एंड इट माइट बी के वो जो स्पीकर है वो अपना लोकेशन यहाँ पर पोर्ट्रे कर रही है सी हियर इट सेज वेरी क्लियरली आई एम इन द लेक इन देंटर ऑफ द पिक्चर जस्ट अंडर द सर्फेस नाउ इन दिस सेक्शन यहां पर स्पीकर के अकॉर्डिंग उसका जो प्रोसाइस लोकेशन है उसे लोकेट कर पाना मुश्किल है लेख के अंदर नेक्स्ट लाइन के अंदर एथवर्ड अपने रीडर्स को कंफ्यूज करती हैं जो स्पीकर है वो क्लियरली कहती है कि वो नहीं कह सकती कि वो कितनी बड़ी या कितनी छोटी है हाउ लार्ज और स्मॉल शी इज लेकिन जो उसकी आवाज़ की जो टोन है उससे ऐसा लगता है कि शी कैन बी अ चाइल्ड और ऐसा भी पॉसिबल है कि जो वॉइस है वो किसी में चोर पर्सन को बिलोंग करती हो कह पाना क्लियरली मुश्किल है लेकिन द टेंडेंसी लीन्स टूवर्ड्स शी माइट बी अ चाइल्ड नाउ नेक्स्ट लाइन्स में यहाँ पर दीज टू लाइन्स हेयर इधर जो रीज़न है उस फोटो में वो जो ब्लरी सा इफ़ेक्ट है या जो हेज़ीनेस है उसका रीज़न वो बताती हैं कहते हैं कि बिकॉज जो पिक्चर है वो बाहर से ली गई है तो जो लाइट है वो पानी के सरफेस पर रिफ्लेक्ट करती है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो हेज़ी इफ़ेक्ट क्रिएट होता है एंड उसकी वजह से जो फोटो का सब्जेक्ट है दैट लुक्स ब्लरी स्पीकर के अकॉर्डिंग ये लाइट का जो इफेक्ट है वो इमेज को डिस्टॉर्ट करता है नाउ जो ये लास्ट की तीन लाइंस हैं यहाँ पर और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ताकि आप समझ सकें कि ये सारी जो इमेज है वो किसके बारे में है एथवुड यहाँ पर एम्बिगस स्टेटमेंट यूज करती है एम्बिगस का मीनिंग होता है जो क्लियर ना हो पहले ये कहा गया था कि इमेज क्लियर नहीं है एंड देयरफॉर सिर्फ उसको देखने से कुछ भी आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा लेकिन अब वो कहती है कि अगर रीडर्स अटेंटिव हैं अगर वो ध्यान से देखेंगे तो वो इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं तो अगर हम टेक्स्ट को दोबारा पढ़ें तो ये जो लाइंस का मतलब है दैट विल चेंज इट अपीयर्स के जो पोएट हैं वो शी इज़ टॉकिंग अबाउट दी चाइल्डिश सेल्फ जब हम बच्चे होते हैं शी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं मेच्योर होते हैं तो जो हमारा बचपना है जो हमारा चाइल्डिश सेल्फ है दैट स्टार्ट सबमर्जिंग जो अनसिन डेप्थ है ऑफ दी सब कॉन्शियस माइंड उसके अंदर तो वी लूज आर इनर चाइल्ड राइट पर अगर हम उसको ध्यान से देखें तो इट माइट स्टिल बी देयर ऑलराइट लेट्स जस्ट ब्रीफली एनालाइज द पोयम तो जो स्पीकर है पोयम का उसने एक फोटोग्राफ डिस्क्राइब किया और शुरू-शुरू में उसने उसका एक होल और ब्लरी सा इमेज दिया एंड देन जो स्पीकर था शी कॉल्ड द रीडर्स अटेंशन जो अलग-अलग डिटेल्स -अलग थे उस लैंडस्केप के अंदर शी कॉल्ड द रीडर्स अटेंशन टू दैट लेकिन जब हम पोयम के अंदर वी आर हाफ वे थ्रू इट ये पता चलता है कि जो स्पीकर की लाइफलेस बॉडी है दैट इज आल्सो पिक्चर्ड बट इट इज बेयरली परिवेबल उसको नहीं देखा जा सकता जैसे जैसे फोटो का नैरेटिव डार्क होता जाता है और कॉम्प्लेक्स होता जाता है तो जो स्पीकर है वो एक्सपोज करता है हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने की जो लिमिटेशंस हैं, उनको एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस? के रिकॉर्डिंग हिस्ट्री दैट रिक्वायर्स सिंप्लीफिकेशन पोएम इसको इम्प्लाई करती है कि जो रिकॉर्डिंग है हिस्ट्री का दैट सेंटर्स ऑन सर्टन एक्सपीरियंसिस एंड दिस रिजल्ट इन इरेजर Of those, जिनके पास पावर कम होती है या नहीं होती है देखर को इंट्रोड्यूस किया था तो स्पीकर ने उसकी क्लाउडीनेस को एम्फोसाइज किया था एंड वर्ड लाइक तो जो स्पीकर है शी गोज ऑन टू पॉइंट आउट एक कॉर्नर फोटोग्राफ का जहां पर वो एक पेड़ था एंड जब वो ऐसा करती है जब स्पीकर वेन शी डज सो तो जो स्पीकर है वो सटली हिंट करती है दैट वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री इट मटेरियलाइजेज ऑन द बेसिस की कैसे हिस्ट्री आपको प्रेजेंट की गई है सो वेन स्पीकर सेज एट फर्स्ट इट सीम्स टू बी अ स्मियर्ड प्रिंट तो वो इंडिकेट करता है कि जो हिस्ट्री है दैट इट इज बेस्ड ऑल्सो ऑन द इंटरप्रटेशन ऑफ रिकॉर्ड वो उतना ही उसके इंटरप्रटेशन पे बेस्ड है रिकॉर्ड्स की इंटरप्रटेशन पे बेस्ड है जितना कि इट इज ग्राउंडेड इन रॉ डेटा ऑल्सो नोट अनादर थिंग के जो स्पीकर का बॉडी है दैट इज नॉट रेडली एपरेंट वो एकदम से आपको नहीं देखने के लिए मिलता उसने क्या बोला था रिमेंबर अगर आप ध्यान से देखोगे इफ यू लुक लॉन्ग इनफ इवेंचुअली यू विल बी एबल टू सी मी सो दिस कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड के जो कॉम्प्लिकेटेड रियालिटीज हैं पास्ट का दे आर हार्डर टू डिसर्न उनको समझ पाना उनको डिसर्न कर पाना मुश्किल है कंपेर्ड टू जो ओवर सिंप्लीफाइड नरेटिव है उनके ऑल्सो दिस पर्टिकुलर लाइन हाउ लार्ज और स्मॉल आई एम ऑन लाइट इज अस्टोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सिग्नल करता है कि जो सफरिंग है जो सफरिंग है ऑफ स्मॉल या फिर डिस एनफ्रेंचाइज लोगों का जिनके पास पावर ना हो ऑफ पावरलेस पीपल उनकी सफरिंग को राइट ऑफ करना हिस्ट्री से के उनकी सफरिंग कोई मायने नहीं रखती हिस्ट्री में इट इज इन सिग्निफिकेंट दैट इज क्वाइट इजी वाइट बिकॉज

कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो पोएम के अंदर स्पीकर ने क्या रिवील किया कि जो हिस्टोरिकल नरेटिव हैं, वो ज्यादातर दे आर सिंप्लीफाइड और जो इनको रिकॉर्ड करता है जो उनको रिकॉर्ड कर रहा होता है दे आर शेप्ड बाय देम तो ये जो पोएम है दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ मी ये वोकलाइज करती है उन लोगों के एक्सपीरियंस को दोज हु आर शट आउट उनकी खुद की हिस्ट्री से और इंडिकेट करती है कि जो पोएम है वो सच को इल्यूमिनेट करेगी उसके ऊपर रोशनी डालेगी आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी इफ़ यू डिड देन डू लाइक एंड कॉमेंट ऑन इट इफ यू टू माई चैनल टू नॉट वर्गेट टू सब्सक्राइब आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो